और दोस्तों चलिए आज पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने से पहले मसाला तैयार करेंगे। ये काजू लीजिएगा, इलायची, जीरा, लहसुन की कलियां, छोटे से अदरक के टुकड़े, दालचीनी, हरी मिर्च, दो तीन लौंग, एक सूखी लाल मिर्च और प्याज को आप इस तरह काटें। मसाला को भून कर तैयार करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं। कढ़ाई को गरम होने दें, उसके बाद सरसों का तेल डालेंगे इसमें। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम लोग इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा ही डालें क्योंकि हमें मसाला भूनना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम लोग इसमें जितने मसाला तैयार करे थे वो सबको डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे, अदरक, काजू भी अब ये डालेंगे। जीरा को बस ना डालें आप, जीरा को पीसते वक्त ही डालेगा। हम लोग टमाटर को भी इसी वक्त ही डालेंगे, थोड़े से टमाटर को भी भून लेंगे। हम लोग का मसाला भून चुका है, अब हम लोग इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मसाला का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग पनीर और शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए फिर से हम लोग सरसों का तेल डालेंगे उसी कढ़ाई में। तेल गर्म हो चुका है, पनीर और शिमला मिर्च को एक साथ डालेंगे। दोनों को कम आंच में हल्के ब्राउन होने तक ही भूनें। पनीर और शिमला मिर्च देखिए हम लोग का भुन चुका है। कढ़ाई में हम लोग फिर से तेल डालेंगे और जो मसाला का पेस्ट बनाए थे उसको हम लोग कम आंच में भूनेंगे। अब हम लोग को सूखी मसाला डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी गर्म मसाला। अब हम लोग इसको कम आंच में 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला अच्छा से पके। अब नमक भी स्वाद अनुसार ही डालें और इसको अच्छी तरह चला के ढक के कम आंच में पकाएंगे। हमारा मसाला अब पक चुका है, अब हम लोग इसमें भुना हुआ पनीर और शिमला मिर्च डालेंगे। इसको भी थोड़ा देर कम आंच में भूनें। दूध डालेंगे, अब इसको हम लोग कम आंच में ही भूनेंगे। सब्जी भून चुका है, अब हम लोग इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी अब थोड़ा सा ही डालें। हम लोग का सब्जी बनके तैयार हो चुका है, अब हम लोग इसको प्लेट में परोसेंगे। आप भी इस तरह ही सब्जी को पकाएं। देखिए ये दिखने में कितने स्वाद लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही स्वाद लगेगा।